अरिहंत परमात्मा महाविदेह क्षेत्र में विराजमान श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में नमन वंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य भगवंत के श्री चरणों में नमन वंदन। आत्मध्यान साधना में प्रवेश करने के लिए आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद। हे जीवात्मा, ये समय ध्यान का है। ध्यान का समय इसका अभिप्राय है। ये समय आप अपने जीव तत्व में बने रहेंगे। ध्यान का अभिप्राय है जीव का उसके वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना। जहां जीव उसके वास्तविक स्वरूप में स्थित है वहीं ध्यान है। ये समय जीव मन से जुड़े नहीं, मन के विचारों से जुड़े नहीं। यदि आप मन के विचारों के वेग में बह रहे हैं तब आप ध्यान में नहीं हैं। जो भूतकाल में हुआ उसे छोड़ दो, जो भविष्य में होगा उसे भी छोड़ दो। वर्तमान जीव मन से निज को भिन्न कर दे। जीव बुद्धि से जुड़े नहीं, जीव काया से निज को भिन्न जाने। यदि ये समय भी आपने काया को महत्व दिया तो आप अस्तित्व में नहीं आए, तो आप ध्यान में नहीं आए। संभव है कोई कर्म किसी रूप में निकल कर आए, क्योंकि ध्यान का यह प्रयोग कर्म क्षय करने के लिए किया जा रहा है। जब आप कर्म क्षय करने के लिए कोई तप करते हैं तो कर्म निकल कर आपके इस औदारिक काया पर आएंगे। किसी को ध्यान प्रारंभ होते से ही किसी अंगोपांग में वेदना संवेदना का अनुभव होगा, किसी को मध्य में होगा, किसी को ध्यान के अंतिम समय में होगा, कहीं कोई विचारों के वेग में बह जाएगा, कहीं बाहर से किसी प्रकार की कोई आवाज आने से भीतर में प्रतिक्रियाएं प्रारंभ होंगी। हे आत्मन, कर्म किसी भी रूप में वर्तमान की ध्यान के समय में निकल कर आए या ध्यान पूर्ण होने के पश्चात निकल कर आए, आपका प्रयोजन दबे कर्मों को औदारिक काया पर लाकर संभाव से उन कर्मों को देखकर उन्हें क्षय करने का है। हे जीवात्मन, आज दिन तक आपने जो धर्म की क्रियाएं की, कहीं किसी मंदिर में गए, किसी प्रतिमा के समक्ष हाथ जोड़े, आपने कभी नवकार सी की, पोर सी की, रात्रि का चौविहार पाला, अनुव्रत लिए, महाव्रत लिए, कुछ भी किया, पीछे एक ही प्रयोजन कर्म क्षय करने का प्रयोजन था। भले आपने कभी नियम में बंध कर किए, किसी को देख कर किए, किसी की आज्ञा में बंध कर किए, परंतु प्रयोजन सदा काल से कर्म क्षय करने का रहा है। ऐसे ही कर्म क्षय करने के लिए आपने ध्यान में प्रवेश किया है। जब कर्म निकल कर इस औदारिक काया पर आए तब आपको दृष्टा भाव से देखना है, सत्ता में किस प्रकार का कर्म पड़ा था, वो कैसे निकल कर बाहर आ रहा है।
हे आत्मन, जिसे निज कर्मों को देखना आ गया, वो वीतराग पथ पर विजयी होगा। आप जीवात्मा है, सर्वप्रथम अपने अस्तित्व पर श्रद्धा करो। ये श्रद्धा हमने कह दी और आपने श्रवण कर ली, इससे श्रद्धा नहीं हुई। श्रद्धा यानी अब जीव को उसके अलावा अब कुछ भी प्रिय नहीं, उसका स्वयं का पिंड भी प्रिय नहीं। जीव जो अनादि काल से स्वयं को देह मानकर चार गति की यात्रा कर रहा है, अब निज को जीव जानकर इस यात्रा को विराम दे। जीव जो अपने अस्तित्व को गौण कर स्वयं को पिंड मानकर कभी क्रोध करता है, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ करता है, कभी राग करता है, कभी द्वेष करता है, वो इन कषायों को विराम दे। जीव जो हर समय कर्म के आश्रव किए जा रहा है, निज को गौण कर कर्ता भोक्ता बन, वो इन आश्रव को विराम दे। जीव अपने में बने रहकर सतत कर्म निर्चरित करता चला जाए, जीव अपने आप का हो जा। ध्यान का अभिप्राय है सत्य को जानकर सत्य में स्थित हो जाना। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक इस देह में, इस आकार में अपने निराकार के विस्तार को जानो। इस निराकार जीव का कोई लिंग नहीं, कोई जाति नहीं, इस निराकार जीव का कोई संबंधी नहीं, इसका कभी जन्म नहीं, इसकी कभी मृत्यु संभव नहीं।
यदि आप भूत भविष्य में जाने लगे तो वर्तमान की श्वास प्रश्वास को देखा जा सकता है, उपयोग लगाकर जड़ चेतन का भेद किया जा सकता है। जिन्हें आप आज तक नमन करते हैं वो सिद्ध, वो अरहंत, वो सब निज में स्थित है। जिन्हें नमन करते हैं आज उनसा होना है। ये समय जीव अपने आप में बना रहे, कब पता पड़ेगा कि जीव अपने में स्थित हो गया? जब देह का भान छूटने लगेगा, जब विचारों का आवागमन रुक जाएगा, जब भीतर का सुख सुख का अनुभव बढ़ने लगेगा, कुछ भी न करते हुए जब भीतर में एक आह्लाद का भाव आएगा, जब समय का होश नहीं रहेगा, तब समझना आपने ध्यान में गहरे प्रवेश कर लिया। आपके भीतर अनंत सुख है, सुख जीव में है, किसी पुद्गल में सामर्थ्य नहीं जो आपको सुख दे। सुख जीव का विषय है, पुद्गल का विषय ही नहीं। जो पुद्गल का चिंतन करते हैं, जो पुद्गल को विचारते हैं, जो पुद्गल का संग्रह करने पर श्रद्धा करते हैं, वे कभी इस अनंत शाश्वत अखंड सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जो जड़ चेतन का भेद करते हैं, जो निज जीव पर श्रद्धा करते हैं, जो आकार में निराकार के विस्तार को जानकर समझकर उसमें निज को स्थित करते हैं, जो मन बुद्धि इंद्रियों से पार चले जाते हैं, वही अनंत शाश्वत अखंड सुख का अनुभव कर पाएंगे।
ये समय प्रार्थना का नहीं पुरुषार्थ का है। मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आने का पुरुषार्थ, आकार के मोह को छोड़कर निराकार में उतर जाने का पुरुषार्थ। और गहरी, सत्य में गहरी, अस्तित्व में गहरी, निर्विचार निर्विकल्प स्थिति।
अहंकार मन देह पर जैसे कर्म भरे हैं और कर्म कभी भी किसी भी रूप में निकल कर आ सकते हैं। कब कौन सा कर्म निकल कर आएगा कहा नहीं जा सकता, छद्मस्त नहीं जानता। ऐसे मन में विचार भरे हैं, कब कौन सा विचार निकल कर आपके अस्तित्व की स्थिति को खंडित कर दे, नहीं कहा जा सकता। ऐसे में उपयोग लगाना, विचारों के वेग में बहना मत। एक दो विचार आए आपको तभी होश आए, ये समय मुझ जीव का है मन का नहीं। यहां मन का पोषण नहीं करना। विचार आए तो उनके दृष्टा हो जा, देखो मन में क्या क्या भरा है। सिर्फ देखो, कोई प्रतिक्रिया नहीं, विचार स्वयं ही शांत होंगे। ये समय आप कुछ नहीं करेंगे, आपको अक्रिय रहना है, ना मन से ना बुद्धि से ना इंद्रियों से, आपको कुछ नहीं करना। जन्म से आज तक कभी ये समय नहीं आया जब आप अक्रिय हो गए हो। आज अवसर है, अक्रिय हो जाओ। हर समय क्रियाशील रहने वाले मन और बुद्धि को भी अक्रिय कर दो और आप अपने जीव तत्व में ठहर जाओ।
भीतर का विश्राम, गहरा विश्राम, विचारों से विश्राम, कर्म आश्रव से विश्राम। इस विश्राम में अनंत सुख मिलेगा। देह की पकड़ छूटती जाए, अस्तित्व स्थिति बढ़ती जाए। और गहरी भूतकल की पकड़ छोड़कर ही सुख का अनुभव कर पाओगे।
आप जीवात्मा है, आप इसी सत्य में बने रहेंगे। ऐसा कोई पुद्गल नहीं जिसका विचार आप करें। आप जीव को अपने से अधिक प्रिय अब कुछ ना हो। स्वामी स्थित रहकर ही भीतर का ज्ञान प्रकटेगा। दर्शन प्रकटेगा, सुख प्रकटेगा, शक्ति प्रकटेगी। स्वामी स्थित रहकर ही तुम्हारी अनंत काल की ये यात्रा समाप्त होगी। अन्य कोई उपाय नहीं, बने रहो अपने आप में। निज में बने रहना यही जीव का विवेक है। इसी विवेक से अरहत स्थिति आएगी। इसी विवेक से सिद्ध अवस्था आएगी। और कह रहे,
कोई हठ योग को महत्व देता है, कोई योग की कठिन क्रियाओं को महत्व देता है, किसी की श्रद्धा उपवास आइम्बिल में है, कोई पूजा पाठ को महत्व देता है, कोई प्रार्थना को महत्व देता है, परंतु हे जीवात्मन, जब तक स्वस्थिति नहीं, मुक्ति संभव नहीं है। मुक्त होने के लिए अनिवार्य है निज को जानकर निज में उतर जाना। वो स्थिति जब ये पिंड पराया लगने लगे, पिंड की पकड़ छूटने लगे, पिंड का मोह टूटने लगे, हे आत्मन, उस स्थिति तक पहुंचना है। फिर योग की क्रियाएं हो ना हो, प्रार्थना हो ना हो, पूजा पाठ उपवास आइम्बिल आदि हो या ना हो, श्रेष्ठ है ध्यान का उत्सर्ग। ध्यान यानी निज को जानकर निज को समय देना। जो समय आप निज को देते हैं, यानी निज जीव को देते हैं, जहां पुद्गल की पकड़ छूटती है, वही ध्यान है। और गहरे उतर कर अक्रिय होकर निज में बने रहकर देखो। कर्मन देह पर से कर्म पुद्गल निकले, उन्हें महत्व मत देना। मन से विचार निकले, उन्हें भी महत्व मत देना।
निज में स्थित रहना ही आपका धर्म है। जब आप निज में स्थित हैं तो आप धर्म में हैं। जो निज में स्थित है वही तीर्थ है, वही पूज्य है। निज में स्थित रहना यानी आर्त रुद्र ध्यान का छूट जाना, निज में स्थित रहना यानी धर्म ध्यान में उतर जाना, शुक्ल ध्यान में प्रवेश कर लेना। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरे विचार, मेरा कुल, मेरा लिंग, मेरी सोच, मेरी धारणा आदि सब छोड़ दो, तुम्हारा कुछ नहीं। तुम जीवात्मा हो, वास्तव में छोड़ दो मेरा मान, मेरा अपमान, मेरे अपने, मेरे सगे, मेरे संबंधी सब छोड़ दो। ये मेरे प्रिय हैं, ये मुझे अप्रिय हैं, ये मेरे सुख के निमित्त है, ये मेरे दुख के निमित्त है। सारा मिथ्यात्व छोड़कर, तोड़कर हे जीव सम्यक्त्व में आओ। आप जीवात्मा, आज जो देह है उसमें विस्तार हुआ है, पूर्व भव में जो था वहां विस्तार हुआ, जब जो देह मिला वहां आत्म प्रदेशों का विस्तार हो गया, कार्मन देह साथ चल रहा है। होश में आकर इस कार्मन देह पर से कर्मों को निकलता हुआ देखो, तभी ये कर्म सत्ता समाप्त होगी।
जहाँ जीव को उसके अस्तित्व का होश है, वो होश मात्र बंद आँखों के इस ध्यान में नहीं रहेगा। जैसे आपको किसी ने आपके नाम का बोध कराया, बाल्यकाल में माता पिता ने बताया ये आपका नाम है, वो नाम का होश आपको बाल्यकाल से वृद्ध अवस्था तक रहता है। सोते जगते खाते पीते हर समय आपको आपके उस नाम का होश बना रहता है। ऐसे अब आपको पता पड़ा मैं नाम नहीं, नाम से भिन्न मेरा अस्तित्व है, मैं लिंग नहीं, लिंग से भिन्न मेरा अस्तित्व है। अब ये होश आपको बंद आँखों के ध्यान में, खुली आँखों में, देह की क्रिया में, धर्म की क्रिया में, सोते जगते उठते बैठते अर्धरात्रि भी यही होश रहे। आपको होश रहे कर्मन देह पर से जब कर्म निकल कर आपके औदारिक काया पर आए, आपको होश रहे मूल कारण मैं स्वयं था, मेरी बेहोशी ने ये कर्म बंधन बांधे हैं। अब होश में रहकर इन कर्मों को क्षय करते जाना। क्षय की धारा मात्र बंद आंखों के इस ध्यान के प्रयोग के अंतर्गत नहीं, खुली आंखों में भी चले, जहां हर समय देह को साता पहुंचाने के यत्न चल रहे थे, वहां देह की सुकुमालता को तोड़ने का एक यत्न प्रारंभ करो। मेरी सोच, मेरे विचार, मेरी धारणा, मेरे संस्कार आदि, इनसे ऊपर उठकर मैं जीवात्मा में आ। अनंत काल की संसार की यात्रा को समाप्त करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हो। ऐसे लक्ष्य के मध्य कोई मान करे तो करने दो, कोई अपमान करे तो करने दो, कहीं रोक निकल कर आए आने दो, कहीं देह को असाता मिले तो मिलने दो, कहीं संयोग हो कहीं वियोग हो, जो हो होने दो, लक्ष्य बड़ा है। यदि मध्य में आने वाले इन कर्म के उदय से भयभीत हो गए तो लक्ष्य तक पहुंचा नहीं जाएगा। आप जीवात्मा है, हे आत्मन, जन्म से आज तक कितनी श्वासें ली ली, वो सारा समय मिथ्यात्व में चला गया। कभी कोई विचार विचारा, कभी कोई विचार विचारा, कभी किसी को महत्व दिया, कभी किसी से राग किया, कभी किसी से द्वेष किया, कभी प्रार्थना की, कभी कोई संकल्प, कभी कोई विकल्प, कभी किसी के प्रति घृणा आई, कभी किसी के प्रति मोह जाग गया। इस प्रकार कर्म करते गए, कितने कर्म बांधते गए, अब अपने को समय दो। ध्यान का अभिप्राय है निज को समय देना, निज जीव को समय देना, मन बुद्धि इंद्रियों को महत्व न देकर निज जीव को समय देना, मन बुद्धि इंद्रियों को गौण कर देना, निज जीव को समय देना,
हे जीवात्मन, निज को समय देते जाना, कर्म निकलते जाए उन्हें निकलने देना, तुम अपने आप को महत्व देना, तुम ही से एक अर्हत प्रकटेगा। हे आत्मन, गहरा विषय था जो समझ पाए उनकी अनुमोदना है, जो नहीं समझ पाए वो मात्र इतना ही जान ले कि 3.5 हाथ की काया में आप एक जीवात्मा है, आपका विस्तार है। इस देह में आप स्थाई निवासी नहीं है, आप जीवात्मा पर कारमन देह है। इस पर से कर्म निकलकर आपके इस हाड़ मांस रक्त के देह पर, जिसे औदारिक काया कहते हैं, इस पर निकलेंगे। जब जब जो जो कर्म निकल कर आए, सकारात्मक या नकारात्मक रूप में, आप मात्र उसे देखना। आप इतना जान लो, अब इस हाड़ मांस रक्त के देह को अपना आप नहीं जानना, इसे अपना नहीं मानना। ये मात्र एक निवास स्थान है। जो इसके मोह में पड़े हैं वो संसार में पड़े हैं, जो इस पिंड का मोह तोड़ गए वो यात्रा में आगे बढ़ गए। हे जीवात्मन, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर आओ, छद्मस्त स्थिति से कैवल्य की ओर आओ। अपने अनंत काल की संसार यात्रा का सीमित करते अंततः उसका अंत करो, फिर निर्णय तुम्हारा, श्वासे तुम्हारी। इसी में आगे मंगल मैत्री मंगल पाठ, मंगल मैत्री का अभ्यास करेंगे। अभी आपने अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से गहन ध्यान में प्रवेश किया। उसी गहन की ध्यान की गहराई में अपने अंग अंग कन कन रोए रोए खून के कतरे कतरे में, मैं आत्मा, सब में आत्मा, शुद्ध आत्मा, आत्मा को आत्मा से नमन करते हुए पूरे जगत के लिए मंगल की कामना करें। इस स्त्रैत संसार में दुखिया रही ना कोए, इस स्त्रैत संसार में दुखिया रही न कोए, सत्य धर्म सबको मिले, सबका मंगल होए, शुद्ध धर्म सबको मिले, जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, जन जन मंगल हो, सबका भला, सबका मंगल हो, सबका शुभ। इसी मंगल भावना के साथ महापर्व परिवेशन, प्रभाधिराज परिवेशन की आराधना 15 अगस्त से 22 अगस्त की महापर्व समस्त्री है। आप सभी पूरे भारत के श्रावक श्राविका साधु साध्वी वृंद खूब तप त्याग से, दानशील तप भावना की आराधना से इस महापर्व परिवेशन की आराधना करें
और अनंत काल के मिथ्यात्व को दूर करते हुए हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम सिद्धालय में जाएं, मोक्ष को प्राप्त करें। जैसे भगवान महावीर सिद्धालय गए, मोक्ष गए, हम भी उस लक्ष्य को लेकर के महापर्व पर्योषण की आराधना करें। आप सबकी मंगल की कामना करते हैं। दूसरा, आज बकरीद है, कई भाई बहन आयम्बिल कर रहे हैं। जो भाई बहन आयम्बिल करना चाहते हैं और उन प्राणियों की, मुख प्राणियों की लिए उनको मंगल कामना करना चाहते हैं उनके लिए, तो वो आयम्बिल का पचकान कर सकते हैं। अरिहंतों सिद्धों की साक्षी से उग्र सूर्य आम्बलिंग पिचकामी आम्बलिंग के प्राण असनम खयमन साइमन अथन भगन सहसा गांड महता गांड धारणा के अनुसार आम्बल का पचकान त्याग बोस्त्रे बोस्त्रे। मंगल पाठ सुनेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितंग नमंग संति चस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका सदा ही मंगल होगा। अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, शासनपति शर्मन भगवान महावीर, सभी समक्त्वी आत्माओं की जय।